हिंदू जो है वो डरपोक कौम है, मुसलमानों में ज्यादा जोशो खरोश पाया जाता है। हमारे खिलाड़ी जब बाहर जाते हैं तो इसी तरह की लड़ाई झगड़े गर्मा गर्मी ही क्यों देखने को मिलती है? इनको सेंस नहीं है कि ये पाकिस्तान के लिए बाहर गए हैं तो पाकिस्तान के लिए इन्होंने काम करना है, ये गर्मा गर्मी वहाँ लगाई रखते हैं? हमारे जो आवाम है ना अपनी, उनमें जोशो खरोश बहुत है, उनमें उनका खून जो है ना बहुत गर्म है, गुस्से में जल्दी आ जाते हैं हमारी आवाम। हाँ जी, पाकिस्तान की, यानी क्रिकेटर ने सही किया गुस्सा होकर, वो जायज है, जाहिर है। यहाँ पे आप बच्चे को भी कुछ कहेंगे वो हाइपर हो जाएगा। ये क्या बात हुई, ये क्यों हमारी तबीयत में इतना ज्यादा गुस्सा है? क्योंकि हम असल में मुसलमान हैं, मुसलमानों में ज्यादा जोशो खरोश पाया जाता है मसलन, इसलिए मैं कह रही हूँ कि क्रिकेट में भी हम मुस्लिम हिंदू ले आए हैं। हाँ जी, लेकिन नहीं, हिंदू जो है वो डरपोक कौम है, पागल औरा। तो लेकिन अभी इंडिया ही जीती जा रही है, इसलिए वो ये थोड़ा सा कोई ना कोई आपको पता खरीदार भी होते हैं इसके अंदर, खरीदार होते हैं। यानी अगर हिंदू जीतेगा तो वो डॉलर्स देकर जीतेगा, उनमें वो नहीं जीत सकते, उनमें वो क्वालिटी नहीं है। तुम्हें शर्म है कुछ, कुछ शर्म आया है? वो तो मेहनत बहुत ज्यादा करते हैं। नहीं करते है वो उनमें, वैसे मैं आपको बताऊं, वो सिर्फ अगर वो पैसे की तरफ नहीं ना जाते हैं, वो अपने मुल्क का नाम रोशन करने की कॉम्प्रोमाइज करते हैं, कंपटीशन करते हैं इसके मसले में। लेकिन वो उसके लिए प्रैक्टिस भी तो करते हैं। देखिए अब विराट कोहली का कितना नाम है, सेंचुरीज करता है। अब देखिए प्रैक्टिस के बगैर तो कोई सेंचुरी नहीं कर सकता ना। ये जादू तो नहीं हो रहा ना कि हम कहें कि ये जादू हो रहा है। बुमराह का इतना नाम है, अब क्या करें? अब बोल, ये भी देखे ना हमारी जो हर बार यही वाकई पाकिस्तान हार के आ जाता। अब भी हम मैच देख रहे थे काफी दिन पहले, तो हमने कहा इस बार अल्लाह करे जीत जाए, क्योंकि हमें शर्मिंदगी होती है कि जब लोग हंसते होंगे दूसरे ममालिक वाले, वो वैसे भी कहते हैं मुसलमान कौम ऐसी हो गई कि इनको वीज़े भी ना दें। अच्छा। अब लगता है इनको मैच से भी निकाल देंगे इससे पहले कि ये अपना जो है ना अपना क्या कहते हैं कॉन्फिडेंस वो कायम रखें। ये देखें ना, अब इनको चाहिए ना वहाँ जाकर प्रैक्टिस करें। आप कह रही हैं कि ये जाके सो जाते हैं होटलों में, उनको अच्छे अच्छे खाने मिलते हैं, इनको कोई टेंशन नहीं है हमारे मुल्क का ना। यहाँ की आवाम वेट कर रही होती है कि अभी कोई रिजल्ट आएगा, पास हो जाएंगे, ये कभी कोई इनके कमेंट्स ज़्यादा हो जाएंगे, लेकिन उनको कोई फिक्र नहीं, उनके भी जेब में पैसा है, उनको पता है हम पॉपुलर हो गए हैं बस। इंडियन टीम स्ट्रॉन्ग है, इंडियन टीम तो वो भी इतनी स्ट्रॉन्ग तो है, लेकिन वो अपने मुल्क के लिए वो बहुत जदोजहद करते हैं, मतलब ट्रेनिंग करते हैं अच्छी, उनकी कोचिंग है सब अच्छा। उनकी आवाम जो है ना वो फिर खुश होती है कि हमारी टीम जीत के आई है। बात तो सही है। अभी तो आप कह रही थी कि वो हिंदू है और हिंदुओं में जज्बा नहीं है। उनमें जज्बा वैसे नहीं होता, मुसलमानों में ज्यादा। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? किस चीज का मुसलमान जो होता है अपने जज्बात, जज्बा आप बता रही थी। हाँ, जज्बा जो है पाकिस्तान में है, बाकी मेहनत इंडिया वाले भी करते हैं, फिर हमें कौन सा जज्बा भी करते हैं, लेकिन ये पता नहीं पीछे किसका हाथ है जो हालियात आ जाते हैं। मेहनत मुनत नहीं करते हैं, मेहनत करते होते तो बिरयानियां ना वहाँ जाकर खाते। इनको पता होता कि हमने अपनी कौम का नाम कैसे बनाना है। बात तो सही है। ग्रीन टी शर्ट पहन कर चले जाते हैं लेकिन फिर हार कर वापिस आ जाते हैं, नाम किसका खराब होता है? पाकिस्तान का। जी, अब यहाँ पे सारी आवाम और हम ढिंडोरा पीटते हैं, जज्बा बोलते हैं, कहाँ का जज्बा है इनमें बताए? जज्बा तो $25 लेने का जज्बा है। ये तो आप बात ठीक कह रही है, अब मैं तो नहीं कह सकती ऑनलाइन के वो ये रिश्वत भी ले लेते होंगे। अच्छा, पता नहीं उन्होंने मेहनत तो की पाकिस्तान ने, पर इंडिया ने ज्यादा करके वो जीत जाते हैं। इंडिया ज्यादा मेहनत करता है? नहीं, दोनों अच्छे करते हैं पर इंडिया फिर भी जीत जाता है। इंडिया हर दफा ही क्यों जीत जाता है? पता नहीं, आपको क्या लगता है? कि वो चीटिंग करते हैं। चीटिंग करते हैं वो? जी। कि आपको क्यों ऐसा लगता है कि वो चीटिंग करते हैं? पता नहीं क्या चीटिंग करते हैं, बताओ। वो मतलब पाकिस्तान ने भी अच्छी कोशिश की है पर पाकिस्तान ही नहीं जीता, इंडिया जीत जाता है, इसीलिए मुझे लगता है वो थोड़ी चीटिंग करते हैं। चीटिंग क्या करते हैं मेरी जान, मैं वही पूछ रही हूँ। पता नहीं, ये नहीं पता चीटिंग करते हैं, लेकिन आपको ये पता कि वो चीटिंग करते हैं? हाँ जी, पर वो अपनी मेहनत से जीतते हैं मेरी जान। जी, अपनी मेहनत वो भी करते हैं, पाकिस्तान भी करता है, इंडिया भी करता है, पर इंडिया जीत। स्ट्रॉन्ग टीम कौन सी है? इंडिया, वो जीतती है। उनके प्लेयर्स अच्छा खेलते हैं? जी। आपको क्या लगता है बेटा? बाबर आजम ही हमें हराता है। बाबर आजम हराता है हमें? यस। क्या करता है बाबर आजम? बाबर आजम पता नहीं क्या करता है, पता।
मैच नहीं आता फिर उसको क्या आता है? अरे वो कप्तान है। कप्तान है हमारे, तो कप्तान अच्छा ट्रेन करते हैं अपनी टीम को या ऐवे ही है? ऐवी नहीं, नहीं करना चाहिए था क्योंकि उन्होंने तो अपनी पूरी कोशिश की होगी जीतने के लिए। पूरी कोशिश की थी, हर दफा ही पूरी कोशिश करते हैं लेकिन हार जाते हैं, ये क्या मसला है? किस्मत मैटर करता है ना, लक पे मैटर करता है। कह रहे हो कि हम बदकिस्मत है? हम नहीं, वो जो खेड़े थे वो बदकिस्मत है। क्या बात है, हमारे प्लेयर्स फुल मेहनत करते हैं? हाँ, सच सच बता रहा हूँ। हाँ जी, कुछ कुछ कैप्टन लाइक बाबर आजम और उसके बाद नसीम शाह। ये बाबर आजम करता है? हाँ। तो बाबर आजम नसीम शाह। खबर बताती हूँ, अभी रिसेंटली जो मैच हुआ ना हमारा, उसमें हमारे क्रिकेट प्लेयर है आजम खान, ठीक है, उनको ना उनकी परफॉर्मेंस बिल्कुल ही जीरो थी। जब वो हार कर गए हैं पीछे से फैंस ने उनको कहा है गेंडा, कुछ होता नहीं है इससे, तो उनको गुस्सा आ गया, उन्होंने गाली दी उनको और फिर जेलों में भी लेकर गए। ये गर्मा गर्मी जो स्टेडियम में चली हुई है इसके बारे में क्या कहेंगे हमारे प्लेयर्स, क्या कर रहे हैं? पता नहीं, हमेशा ही ऐसे करते हैं, कुछ ना कुछ तो कर ही देते हैं, बाद में फिर लोग देखते रह जाते हैं। और इंडिया और पाकिस्तान का मैच तो ऑब्वियसली आपको पता है कि स्पेशली होता है। ये क्या करते हैं हमेशा? ये पता नहीं पैसे लेते हैं क्या करते हैं, बीच में बस वो जीत जाते हैं और ये आ जाते हैं मुंह लेकर जाते हैं, फिर वो टमाटर खाते हैं, अंडे खाते हैं, बाद में मैंने तो जब भी देखा यही सीन हुआ है। मेहनत कर रहे हैं हमारे खिलाड़ी? हाँ जी, ये तो है, मेहनत तो काफ़ी करते हैं, हमारा मुल्क जो है अपने पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ करता है, लेकिन अगर नाकाम हो जाए तो वो उनके नसीब में होता है शायद। मेरी बात सुने, ऐसा कैसे हो सकता है कि एक बंदा बहुत ज़्यादा मेहनत करता है और वो हर दफ़ा ही हार जाता है? ये इसलिए भी होता है ना, ये सारी तकदीर के काम है, किसके? अपनी किस्मत की ऊपर ही होता है ना। अच्छा, किस्म यानी हमारे खिलाड़ी बदकिस्मत है, ये सब लोग क्यों कह रहे हैं? जितना देखे जितना गुड़ डालते हैं उतना ही मीठा होता है ना, जितनी वो मेहनत करेंगे उतना ही उनको रिजल्ट मिलेगा ना। ये बड़ी अच्छी बात कही आपने, वो बात सही है, पूरी दुनिया ये बात करती है, आपस में हमारे घर वाले भी कहते हैं, लेकिन क्या है किससे लेते होंगे रिश्वत, इतनी मजबूत है ये बाबर आजम, इतना अच्छा खेलता है, ये लोग सारे मोहम्मद रिजवान सब लोग इतना अच्छा खेलते हैं कि लोग इनको डॉलर देंगे, यही जेब भरते हैं। मैं आपको बताऊं, कोई किसी का फायदा नहीं सोचेगा, अगर हुकूमत की तरफ जाए वो अपना फायदा सोचेगी, अगर आप किसी गेम्स की तरफ जाए वो अपना सोचेगी, अपना घर भरते हैं। ये इंजमामुल हक, उसको भी आलू वालू की आवाज़ लगती थी, लेकिन वो कभी भी उन्होंने उनके भी कंट्रोवर्शियल हुए हैं, लेकिन इनको चाहिए था कि इनको, वो एक जर्नलिस्ट ने कहा कि इनको साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत है, कि एक स्पोर्ट्स जनरल स्पोर्ट्समैन के लिए ये एक स्पोर्ट्स की गेम में ना बहुत चीज़ें काउंट करती हैं, कि वो अपनी इम्पेशन नहीं होना चाहिए, पेशेंस दिखाए, कि उसको एक स्पोर्ट्समैन दिखानी स्पिरिट तो उसने दिखाई नहीं, तो वो इररेलीवेंट जाके उसने इंडल्ज करना शुरू कर दिया कि मैं आवाम के साथ बदतमीजी पे उतर आया, तो ये एक लेवल नहीं है। जो डिग्री होती है ना, एक बहुत बड़ा स्टार बनता है वो अपने काम से काम रखता है, और इसने उधर जाके बदतमीजी करना शुरू कर दिया। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। स्कैंडल ये है कि ये सिर्फ दूसरों पर इल्ज़ाम लगा सकते हैं, खुद ये कुछ नहीं कर सकते, इसको बजाय ये कि दूसरों को जेल भेजे, इसे चाहिए कि अपनी फिटनेस पर तवज्जो दे, लोग जो इस पर बात करते हैं इसे चाहिए अपने ऊपर मेहनत करे, अपने ऊपर तवज्जो दे, और लोगों को जो बातें हैं अपने काम के ज़रिए से दे, लेकिन ये पाकिस्तानी क्रिकेट टीम से नहीं हो सकता। ये सिर्फ दूसरों को जेल भिजवा सकते हैं, ट्विटर चलवा लो इनसे, एडवर्टाइजमेंट करवा लो इनसे, दूसरे दुनिया जहान की टिकटॉक सोशल मीडिया भी एक्टिव हैं, लेकिन क्रिकेट के मुतालिक इनको कुछ नहीं आता। टमाटर खाते हैं, अंडे खाते हैं, आवाम से वापस हार कर आते हैं। अभी क्या खाएंगे, क्या नया उनको खिलाया जाएगा? अब पता नहीं अब क्या खाते हैं, पिज़्ज़ा खाते हैं, कुछ खाते हैं।